कामाख्य महारानी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिव नमक पार्वती पदे हर हर महादेव। गुवाहाटी के नीलाचल पर्वत पर स्थित माँ कामाख्या मंदिर परिसर में आजकल कुछ ऐसा ही नजारा है, जहाँ 22 जून से शुरू हो गया है अंबुवासी मेला, जो 25 जून तक जारी रहेगा। कामाख्या धाम विश्व भर के 51 शक्ति पीठों में से सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पीठ है। ये पवित्र स्थल ब्रह्मांड में सृजन शांति स्वरूपा माँ वसुमती का प्रतीक है, जिससे जीवन का आरंभ होता है। इसीलिए कामाख्या मंदिर में अंबुवासी मेले के दौरान साधना के लिए दूर दूर से साधक आते हैं। मेला शुरू होते ही पूरा मंदिर परिसर दुर्गा सतपति पाठ की आवाज से गूंजने लगता है, जिसे जहां जगह मिल गई वहीं बैठकर सतपति पाठ में मगन हो जाता है। यूं तो ये पाठ घर बैठकर भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि अगर अंबुवासी मेले के दौरान मंदिर परिसर में बैठकर पाठ किया जाए तो फल जल्दी मिलता है, क्योंकि मेले के दौरान माँ भगवती खुद नीलाचल पर्वत पर विराजमान रहती हैं। कि बहुत ही एनर्जेटिक प्लेस है, यहाँ आने के बाद एक अलग अनुभूतियाँ होती हैं। यहाँ किसी से कुछ कहने और पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ समय देना होता है और ऐसा हमें एहसास होता है कि जैसे हम आपसे बातें करते हैं वैसे मैया से बात कर पाते हैं। जो हमारे मन में संकल्प विकल्प जो भी चाहनाएं होती है या जो मेरा सवाल होता है यहाँ आने के बाद पूरा हो जाता है। कि मैया का प्लेस स्वयं जो है काम रूपा है, कामना देवी है, तो हमारी जैसी मनोकामनाएं होंगी वैसे पूर्ण भी होती हैं। ये सॉइल में इतना एनर्जेटिक हो जाता है, इतना वाइब्रेशन हो जाता है कि आप जो भी इच्छा रखते हैं माँ के समक्ष, जो भी इच्छा रखते हैं वो मनोकामना पूर्ण होता है। और जो माँ आशीर्वाद जो देते हैं इन दिनों में, ये तीन दिनों में जो भक्त होता है, भक्त अगर अच्छे मन से ध्यान जप तप जो अपना इंटरनल पावर है वो बढ़ाना चाहता है तो माँ के शरण में आते हैं, और माँ का शरण में आकर के वो भक्तगण हर एक प्रकार के सब अलग अलग जप तप ध्यान से माँ को संतुष्ट करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का तिरस्कार और अपमान किया तो माँ सती सह नहीं पाई और यज्ञ कुंड में कूद कर अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान शिव की नजरों ने जब ये देखा तो वो रुद्र रूप धारण कर सती के शरीर को कंधे में उठाए प्रलयकारी तांडव करने लगे। भगवान शिव के इस तांडव को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माँ सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो कई जगहों पर जा गिरे और हर स्थान एक शक्तिपीठ कहलाया। असम में कामरूप के नीलाचल पर्वत पर सती का योनि अंग आ गिरा और ये पर्वत कामाख्या योनि पीठ के रूप में स्थापित हो गया। क्योंकि ये योनि पीठ है, इसीलिए ऐसी मान्यता है कि साल में एक बार अंबुवासी मेले के समय माँ का रजस्वला होता है। इसीलिए मंदिर के दरवाजे 3 दिन के लिए बंद हो जाते हैं और कोई पूजा अर्चना नहीं होती। अम्बुवासी देखिए, हम लोग परंपरा हिसाब से अम्बुवासी मान्यता आ रहा है कि आद्य नक्षत्र का प्रथम पात में देवी रजस्वला होते हैं, तो इस समय आदपास के 39 मिनट में देवी रजस्वला होगी, उस समय जीआर बंद रहेंगी 3 दिन के लिए। जैसे हम लोग मानते हैं 3 दिन देवियों का पूजा पाठ नहीं होते हैं, उसी प्रकार 3 दिन द्वार बंद रहेंगी और 26 को फिर द्वार खुल जाएंगे। ये अम्बुवासी का टाइम में कोई लोग अंदर में नहीं जाते हैं, कोई पूजा पाठ का व्यवस्था नहीं। यह हम लोग आज से हजारों साल पहले से जो जैसे हम लोग का परंपरा चल रहा है ना, उसी परंपरा से इसी माध्यम का हम चल रहा है। यूं तो कोई नहीं जानता कि अंबुवासी मेला कब और किसने शुरू किया, लेकिन जब से मंदिर की स्थापना हुई तब से ही यहां अंबुवासी मेले का आयोजन होते आ रहा है। क्योंकि ये शक्तिपीठ है, इसलिए पहले साधक ही साधना और तंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए यहाँ आया करते थे, लेकिन आज लाखों की संख्या में भक्तगण और श्रद्धालु भी यहाँ पहुँचते हैं। अंबुवासी मेला शुरू होते ही पूरा नीलाचल पर्वत माँ के भजन और कीर्तन से गूंज उठता है और ये सिलसिला 4 दिनों तक चलता है। पूरे मंदिर परिसर में तिल धरने की जगह नहीं होती। मेले में शामिल होने के लिए यूं तो लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं, लेकिन उनके अलावा हजारों की संख्या में साधु संत भी पहुंचते हैं।
और कामाख्या परिसर में डेरा डालकर बैठ जाते हैं। ऐसे ही एक संत हैं जूना अखाड़ा के सचिव रंजीतानंद गिरी महाराज, जो पिछले 3 दशकों से अम्बुवासी मेले के दौरान कामाख्या पहुंच जाते हैं। वहीं किन्नर समाज के लोग भी अम्बुवासी मेले के दौरान दूर दूर से कामाख्या आते हैं और माँ की आराधना में व्यस्त हो जाते हैं। इस समय 3 दिन जो अम्बावासी प्रवृत्ति से निवृत्ति 3 दिन ऐसा योग है, महायोग है, वो 3 दिन तप करने से, तपस्या करने से साल भर का फल हमें मिलता है। इसलिए हम वो 3 दिन विशेष रूप से आते ही हैं। इस पल को, इस योग को हम छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि पूरे भारत में, विश्व में कहीं पर भी शक्तिपीठ है, शक्ति का जो टुकड़ा और पीठ बना हुआ है, सभी जगहों का शक्ति यहाँ करके एकत्रित होने के बाद ही देवी अपना स्वरूप धारण करके रजशाला होती है और यह विश्ववासी को प्रजनन करती है। इसलिए दुनिया को विश्व का सृष्टि स्थल इसको माना जाता है। इसलिए हम यहाँ ऊर्जा प्राप्त करने का प्रधान जगह है। इसलिए सहज सरलता से, भक्ति मात्र से माँ को माँ बोलने से, बिना किसी मंत्र से ही माँ को श्रद्धा से माँ बोलने से ही हमें वो शक्तियाँ मिल जाती है। इसलिए हम माँ के दरबार में 3 दिन अम्बावासी में आ जाते हैं। देखिए, मेरा किन्नर समाज तो सतयुग से यहाँ पे आता है। जब से माता की यहाँ पे स्थापना है या माता का यहाँ पे स्वरूप है, दसों मध्या का यहाँ पे जो भी कुछ है, जब से किन्नरों का है, क्योंकि देवताओं को अप्सराएं रह जाती थी और माताओं को किन्नरें रह जाते थे, तो जहाँ पे 51 पीठ वहाँ पे किन्नरों का आना जाना शुरू से है और आते हैं। लेकिन हाँ, 2016 के बाद किन्नरों को वापस वो स्थान मिला जिस स्थान से वो चले गए। साधक बताते हैं, एक समय था जब रजस्वला के समय आते ही मंदिर के मुख्य द्वार खुद ब खुद बंद हो जाते थे, लेकिन आज उन्हें बंद करना पड़ता है। एक बात और है कि कामाख्या का मुख्य द्वार बंद होते ही बंद हो जाते हैं असम के सभी मंदिरों के द्वार और बंद हो जाता है मंदिरों में पूजा पाठ का सिलसिला, और यहाँ तक कि स्थानीय लोग भी अपने अपने घरों के मंदिरों के द्वार बंद कर देते हैं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।